Yes, good morning to all. This is Amit Upreti. और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो जैसे कि आज हम मीटर ब्रिज पढ़ रहे हैं, तो आपको मीटर ब्रिज के बारे में थोड़ा बता दूँ। दैट मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वीट स्टोन ब्रिज। वीट स्टोन ब्रिज क्या है? इसमें जो रेजिस्टेंस हैं उनको एक क्वाड्रेटर के फॉर्म में अरेंज करते हैं ऐसे। इस तरीके से हम चार रेजिस्टेंसेस को ऐसे अरेंज करते हैं, इनको नाम सपोज देते हैं E, Q, R एंड X, इनका नाम, और यहां से वोल्टेज का सोर्स जोड़ते हैं। इस तरफ से हम वोल्टेज का सोर्स स्विच जोड़ते हैं, तो इसको हम वीट स्टोन ब्रिज कहेंगे जब यहां मिडिल में एक और रेजिस्टेंस लगा रहेगा, राइट? इस गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस भी कहते हैं इसे, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और इसे जी से डिनोटेट करते हैं। यहां भी एक स्विच लगी रहेगी और एक ब्रिज करेगी, इसीलिए इसे ब्रिज बोला क्योंकि यहां पर एक ब्रिज बना रहा है। ये क्वाड्रेटर में बीच में ब्रिज बनाने का काम कर रहा है, राइट? तो इसे कहते हैं वीट स्टोन ब्रिज। अब वीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कंडीशन तब कहा जाता है जब यहां पर देखिए, ये पॉइंट लेता हूं ए बी सी एंड डी। जो बी पॉइंट है और डी पॉइंट, दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर, पोटेंशियल बराबर है। मीन्स बी का पॉइंट का जो पोटेंशियल है डी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर। और आपको एक चीज पता है कि करंट कब बहेगी? दो पॉइंट को एक वायर से कनेक्ट करने में करंट कब बहती है? तो उसका आंसर है जब भी पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उस समय करंट बहेगी। बट एस यहां तो कोई करंट बह नहीं सकती, क्यों? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बी और डी पॉइंट का बराबर। तो हम कहेंगे कि ये बी और डी पॉइंट के बीच में कोई भी करंट नहीं बहेगी, राइट? अब देखें, जब बी और डी पॉइंट के बीच में कोई भी करंट नहीं बहेगी तो हम कहेंगे ये बैलेंस कंडीशन पे है। बैलेंस कंडीशन मतलब जब यहां से कोई भी करंट नहीं बहेगी, राइट? अब इसको प्रैक्टिकल वे में किस तरीके से किया जाता है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं मीटर ब्रिज। देखिए, यहां पर हमारे पास कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। एक स्ट्रिप ये है, एक स्ट्रिप मान लीजिए ये है, एक कॉपर की स्ट्रिप ये तीन कॉपर की स्ट्रिप है आपके पास। यहां दो गैप्स हैं, ये दो गैप्स हैं। कॉपर की यूज क्यों की? क्योंकि कॉपर का रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है, तो रेजिस्टेंस बहुत कम देगा, राइट? यहां दो पॉइंट ए और बी ले लेते हैं। सेम देखिए, इससे कंपेयर करते हुए चलिए, ए और बी पॉइंट, ए और सी पॉइंट ले, कंपेयर करते हुए चलिए, इसे ले लें ए और सी पॉइंट। देखिए, ए पॉइंट एंड सी पॉइंट, इसके बीच में एक वायर है, ये एक वायर, और ये वायर की लंबाई होती है 1 मीटर। 1 मीटर लंबी ये वायर होती है, तो इसके अक्रॉस यहां पर एक स्केल भी लगा होता है। इस तरीके से एक स्केल लगा रहता है ताकि आप इस वायर को मेजर कर पाए, राइट? अब देखिए, यहां पर हम एक रेजिस्टेंस जिसे नाम देते हैं आर जोड़ते हैं इस गैप के बीच में। आर देखिए कहां पर है, ये आर है,
तो यहां बीच में पॉइंट आ जाएगा डी ना, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा डी, राइट। इसके बाद डी और सी के बीच में, ये इन दोनों के बीच में जो यहां पर रेजिस्टेंस लगा रहता है, इसे नाम देते हैं एक्स, एंड दिस इज कॉल्ड द अननोन रेजिस्टेंस। इसको हम अननोन रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ये मतलब आपको जानना रहता है, ठीक है, सेटअप जो किया आपने है यहां पर, इस रेजिस्टेंस को आपने जानना है कितना है। आर तो दिया रहेगा, आर तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसमें से जो की निकालोगे जितने रेजिस्टेंस की, उतना रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, राइट। अब आप पूछेंगे कि ये पी और क्यू कहां है, तो देखिए यहां एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है डी पॉइंट से, मिड पॉइंट से, डी पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर यहां जोड़ा जाएगा। इसे गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इसलिए बनाया मैंने, तो यहां एक गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाएगा डी पॉइंट से, और उसके थ्रू एक जॉकी जोड़ दी जाएगी। जॉकी मींस एक ऐसा कनेक्शन देने वाला जो इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सके, इसके साथ कनेक्टेड हो और इस वायर के ऊपर ऐसे स्लाइड कर सके, तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट को नाम देते हैं जॉकी। तो हमने एक जॉकी जोड़ दी जिससे आप इसके ऊपर स्लाइड कर पाएंगे। कनेक्शन तो आपने जोड़ लिया, ये इसकी बैटरी एक्सटर्नल सर्किट पे लगी हुई है जो इस पे करंट भी दे रही है, राइट। अब इस कनेक्शन पे जब आप ये जॉकी को इस पे ऊपर स्लाइड करते हैं, तो डेफिनेटली एक पोजीशन ऐसी आएगी जहां पर यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, जिसे हमने पी नाम दिया, राइट, और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस जिसे हमने क्यू नाम दिया, इन दोनों का रेशियो पी रेशियो क्यू, पी अपॉन क्यू आर बाय एक्स के इक्वल आ जाएगा। पी रेशियो क्यू आर रेशियो एक्स के इक्वल हो जाएगा, और इसी पॉइंट पे हम बोलेंगे कि यहां पर डी पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट, दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए। सेम पोटेंशियल पे कैसे समझ के चल रहे हैं, क्योंकि जब भी बी और डी के बीच सेम पोटेंशियल है, बी और डी सेम पोटेंशियल पे हैं, तो बी और डी के बीच वायर मींस करंट नहीं बहेगी, और करंट नहीं बहेगी तो इसे जानने का तरीका है कि गैल्वेनोमीटर ऐसी पोजीशन पे आ जाएगा मिडिल पे, जीरो करंट शो करेगा, जीरो करंट शो करेगा, बल्कि कनेक्शन बाहर के सर्किट पे लगा हुआ है, अंदर भी करंट जा रही है, पर यहां इन दोनों को जोड़ने पर ये गैल्वेनोमीटर जीरो दिखा रहा है, दैट मींस बी एंड डी सेम पोटेंशियल पे आ गए। अब यही यहां पर देखते हैं कि बी एंड डी सेम पोटेंशियल पे, और सेम पोटेंशियल पे होने के कारण हम इसे कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, आपको ये फॉर्मूला शायद मैंने पहले भी बता दिया है, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एक्स कैसे होगा, मेरे पुराने वीडियो में जाके आप देख लीजिए, ये हमने प्रूफ किया था विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके हमने ये प्रूफ किया, राइट। ऐसे एक कन्वेंशनल डायरेक्शन ले लेंगे, फिर किरचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाएंगे, टोटल ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो दिस इज, अगर यहाँ आई वन चली गई, यहाँ आई टू चली गई, तो यहाँ आई वन की आई वन ही यहाँ चली जाएगी क्योंकि नीचे करंट नहीं जानी है, यहाँ आई टू की आई टू चली जाएगी क्योंकि यहाँ करंट ऊपर नहीं आनी है। तो इस वाले सर्किट में अगर ऐसी डायरेक्शन ली तो माइनस आई वन इंटू बी प्लस आई टू इंटू आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ इस सारे लूप में आपको नहीं दिख रहा, तो आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर इस वाले से मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एक्स, ये वाले सर्किट से मिल जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये तो मैं जो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था उस पर आप जाके देख लीजिएगा, राइट। नाउ दिस मच वी हैव डन कि किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं किसी व्हीटस्टोन ब्रिज को, राइट।
अब इसकी कंडीशन आती है कि इससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात, अननोन रेजिस्टेंस निकालने का तरीका है जो स्लाइड वायर ब्रिज है, सबसे पहले टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड इसका एप्लीकेशन है कि आप दो रेजिस्टेंस आपको दे रखे, उन दो रेजिस्टेंस को आप कंपेयर कर सकते हो। मान लीजिए आपको आर भी नहीं पता है, आपको आर जानने का भी जरूरत नहीं उसमें, बट इसको चेंज नहीं करना। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देना, मतलब कोई वायर जोड़ देना मान लीजिए, उस वायर को ऐसे ही रहने देना, उसे चेंज नहीं करना, ठीक है। तो उस समय क्या करते हैं आप, अगर इसे कंपेयर करना रहता है तो सबसे पहले आप कोई रेजिस्टेंस आर वन जोड़ लेते हैं, तो इस समय आपका फॉर्मूला यहाँ पर आ जाता है, बैलेंस कंडीशन आती है मान लीजिए एल वन पे। अच्छा, बचा हुआ लेंथ कितना होगा? देखिए टोटल इसे मीटर ब्रिज कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसकी वायर एसी जो है वो 100 सेंटीमीटर की, मतलब कि 1 मीटर की होती है। तो यहाँ पर जो बची हुई डिस्टेंस है, ये बी पॉइंट को यहाँ लिख देता हूँ, जो बची हुई डिस्टेंस है 100 माइनस एल वन होती है, राइट। तो ये जब आर वन रेजिस्टेंस आपने जोड़ा, तो पहला तो इसका एप्लीकेशन है क्वेश्चन टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड इसका एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है कंपेयरिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कंपेयर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने R1 जोड़ा तो आपका फॉर्मूला बना L1 वन बाय हंड्रेड माइनस एल वन इज इक्वल, देखिए P बाय क्यू, दिस इज P बाय क्यू। अच्छा आप बोलोगे ये लेंथ है और मैं इसको रेजिस्टेंस से क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ। देखिए लेंथ जो होती है उसी के प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, राइट। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ही प्रोपोर्शनल होता है, तो P इज प्रोपोर्शनल टू L1 एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस L1, राइट। तो P बाय Q इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, राइट। ये तो P बाय Q हो गया। अब P बाय Q तो आपका 100 L1 अपॉन 100 माइनस L1 है, इज इक्वल टू R बाय R1, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला R बाय R1, राइट। अब सेकंड है व्हेन यू ऐड रेजिस्टेंस R2, जब आप R2 रेजिस्टेंस यहां लगा देंगे तो यहां पर बैलेंसिंग बदल जाएगी, तो यहां L2 यहां 100 माइनस L2 आएगा, तो इस समय जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बनेगा L2 अपॉन 100 माइनस L2 इज इक्वल टू R बाय R2, राइट। देखिए R आपने चेंज नहीं किया है, आर तो सेम चीज रह दी है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, राइट। जब ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा L1 बाय 100 माइनस L1 डिवाइड बाय L2 बाय 100 माइनस L2, या फिर उल्टा कर देते हैं 100 माइनस L2 अपॉन L2 इज इक्वल टू R बाय R1 इनटू R2 बाय R, R R कैंसिल आउट, तो दिस इज द कंपैरिजन। अब आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं R2 by R1 is equal to this much, right? तो ये कंपैरिजन का तरीका है, ठीक है। और थर्ड इसकी एप्लीकेशन होती है is to measure the unknown temperature, unknown temperature भी मेजर कर सकते हैं। अब आपको मैं थर्ड, अगर आपने नहीं लिखा है, नहीं देखा अभी अच्छे से, तो एक बार रिवर्स करके देख लेना, ठीक है, अपने स्पीड के हिसाब से देख लेना। तो अब मैं तीसरी चीज आपको बता रहा हूं, टू मेजर अननोन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में आप एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, R इज इक्वल टू R नॉट वन प्लस अल्फा थीटा, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन किसी भी मेटल के लिए, ये रेजिस्टेंस का रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, या टेम्परेचर थीटा है, दिस इज टेम्परेचर थीटा
उस समय रेजिस्टेंस आर है। आर नॉट क्या है? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको बॉइलिंग वाटर में करना है एक्सपेरिमेंट, तो आर 100 करेंगे यहां पर। आर 100 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ये आर 100 का वैल्यू आएगा, राइट। और इसी तरीके से सेकंड, मान लीजिए एक तो ये आर 100 कैसे निकाल सकते हैं, इसका मतलब अगर आपको प्रैक्टिकली ये निकालना है, प्रैक्टिकल करके, जैसे लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, तो आर नॉट निकालने का तरीका होता है कि ये वाले रेजिस्टेंस को एक आइस जैकेट में रखते हैं। यहां पर आइस है, ऐसी जैकेट में इसे रखते हैं। अब आप पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एक्स निकालेंगे और यहाँ एल अपॉन 100 माइनस एल आपको दिख जाएगा, एक्सपेरिमेंटली आप देख लेंगे कि बैलेंसिंग कहाँ आ रही है। तो आप ये वाला आर नॉट तो निकाल ही सकते हैं, राइट। ये तो नोन होता है, ये तो आप खुद लगाते हैं, राइट। तो जब ये आप करेंगे प्रैक्टिकल, तो आर नॉट तो आप इजीली निकाल लेंगे, राइट। तो आर नॉट निकालना कोई टफ नहीं। सेकंड चीज, आप इसे अगर आर 100 निकालना चाहें, मान लीजिए आर 100, तो उस समय क्या करना पड़ता है, इस वाले सेटअप को बॉइलिंग वाटर पे रखना पड़ता है। तो ये बॉइलिंग वाटर पे रहेगा, उबलते हुए पानी में, क्योंकि उबलते हुए पानी का जो तापमान है वो 100 डिग्री होता है ऑफकोर्स। तो यहां पर आपको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या निकलेगा, आर 100, मतलब ये दोनों वैल्यू इजिली निकाली जा सकती है, राइट। आर 100 भी निकाला जा सकता है, आर नॉट भी निकाला जा सकता है। अब मान लीजिए कोई टेम्परेचर दे दिया जिस पर आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया, अब आपको टेम्परेचर पता नहीं है। मान लीजिए ये टेम्परेचर यहाँ रूम टेम्परेचर पे हम कर रहे हैं, पर रूम टेम्परेचर कितना है आपको मालूम नहीं है। यहाँ का, यहाँ जो रूम है उसमें टेम्परेचर कितना अभी आपको मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे इस केस में, इसको एक्स लिख दीजिए। अब देखिए एक्स या आर लिख दीजिए, आर, चलिए आर इसको रेजिस्टेंस मानेंगे। तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। ये थीटा आपको निकालना है। अब ये थीटा निकालना है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, दो इक्वेशन आपके पास आ गए हैं। और यहाँ 100 का वैल्यू पता है, आर नॉट का वैल्यू पता है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशियंट आपको पता रहेगा, ये क्वेश्चन में दे दिया रहेगा, राइट। सारी चीज तो मालूम है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर दिया जाए, तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो आता है आर बाय आर हंड्रेड इज इक्वल टू, आर नॉट से आर नॉट कट जाएगा, 1 प्लस 100 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा थीटा। अल्फा तो आपको पता है, आर 100 आपको पता है, तो आर का वैल्यू तो निकल ही आएगा ना यहां से, राइट। अच्छा, आर भी पता है मान लीजिए, तो थीटा का वैल्यू निकल आए। रेजिस्टेंस यहां पर अगर नोन लगा लेंगे आप, मींस 5 ओम का रेजिस्टेंस आपने लेके लगा लिया और उस पर वो एक्सपेरिमेंट करो, तो यहां तो सीधे सीधे आपको आर पता चल गया। अब थीटा कितना है ये निकल आएगा, मतलब तापमान यहां का कितना है वो आप इजीली निकाल सकते, राइट। तो मीटर ब्रिज में सिर्फ इतना ही है। ये तीन एप्लीकेशन बहुत बार पूछे जाते हैं, एक एक करके कोई भी पूछ लेगा आपसे। पहला है मेजर द अननोन रेजिस्टेंस, सिंपल है, ये अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, पहले उसे बैलेंसिंग कर लेनी है, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एक्स रखना है, एक्स को अननोन मान के निकाल लेना है। सेकेंड है कंपेयरिंग रेजिस्टेंस, एक बार आर वन ले लेना है, दूसरी बार आर टू लेना है, दोनों के लिए बैलेंसिंग अलग अलग आएगी, तो उन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करके आपका कंपैरिजन भी आ जाएगा। थर्ड, आपको मेजर करना है अननोन टेम्परेचर को, तो उसके लिए ये सेटअप आपको करना पड़ेगा, राइट। ये तीन चीज़ें बहुत बार पूछी आती हैं। और मीटर ब्रिज इतने में ख़त्म हुआ, नेक्स्ट हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।